दोस्तों, जिंदगी में तीन शब्द बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और वो शब्द हैं नेवर गिव अप। इससे पहले कि मैं कुछ और कहूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस वीडियो में मैंने बहुत सी बातें की हैं, लेकिन आप ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूं। मैंने बस थोड़ी सी रिसर्च की है और बहुत से ग्रेट लोगों की बातों को इकट्ठा करके इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। इस वीडियो का मकसद आपको बोर करना बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। सैकड़ों साल पहले यूनाइटेड किंगडम में स्कॉटलैंड का एक राजा था। उनका नाम था रॉबर्ट द ब्रूस। रॉबर्ट द ब्रूस बहादुर भी था और बुद्धिमान भी। वो 1306 से 1329 तक स्कॉटलैंड का राजा था। कहानी उस समय की है जब स्कॉटलैंड पर इंग्लैंड का अधिकार था और वो इंग्लैंड के राजा एडवर्ड आई के संरक्षण में था। स्कॉटलैंड को एक स्वतंत्र देश बनाने के लिए रॉबर्ट द ब्रूस के परिवार ने पहले ही दावा किया था, लेकिन बात उससे बनी नहीं और इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड पर अपना कब्जा नहीं छोड़ा। आखिरकार रॉबर्ट द ब्रूस ने अपनी छोटी सी सेना को लेकर इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, लेकिन इंग्लैंड की सेना बड़ी थी। एक बार, दो बार, तीन बार, पूरे छह बार रॉबर्ट द ब्रूस ने अपनी छोटी सी सेना लेके इंग्लैंड का मुकाबला किया। छह बार हारने के बाद रॉबर्ट द ब्रूस की सेना को यकीन हो गया कि अब वो लोग इसको जीत नहीं पाएंगे और वो सभी युद्ध छोड़कर भाग गए। रॉबर्ट द ब्रूस को मजबूर होकर जंगलों में पहाड़ों के बीच छुपना पड़ा और इंग्लैंड ने उसको भगोड़ा भी घोषित कर दिया। एक दिन जब बारिश हो रही थी, रॉबर्ट द ब्रूस अपनी गुफा में लेटा हुआ था। वो बारिश की आवाज को सुन रहा था। वो अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रहा था और उसका हौसला बुरी तरह से टूटा हुआ था। उसको ऐसा लग रहा था कि अब वो अपनी जिंदगी में हार जाएगा, अब कुछ भी नहीं बचा उसकी जिंदगी में और शायद अब उसको आत्महत्या करनी पड़ेगी। तभी उसने लेटे हुए अपने सर के ऊपर देखा कि एक मकड़ी अपना जाल बुनने की तैयारी कर रही थी। रॉबर्ट द ब्रूस ने देखा कि मकड़ी ने बहुत ध्यान से धीरे धीरे जाला बुनने का काम शुरू किया। छह बार उस मकड़ी ने गुफा के एक छोर से दूसरे छोर तक जाले के एक धागे को बांधने की कोशिश की, लेकिन बार बार वो असफल हो गई। हर बार उसका धागा छोटा पड़ जाता था। रॉबर्ट द ब्रूस ये देखकर बोला, बिल्कुल खराब, तुम छह बार असफल हो गई। तुमको शायद ये नहीं पता कि छह छह बार हारने के बाद क्या होता है। देखो मुझे, मेरी सेना मुझे छोड़ के भाग गई, मुझे भगोड़ा घोषित कर दिया गया और मुझे यहाँ एक पहाड़ी गुफा में छुपना पड़ रहा है और लगता है कि अब मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा। रॉबर्ट द ब्रूस अपने आप से बातें कर रहा था, लेकिन फिर उसने देखा कि मकड़ी ने सातवीं बार कोशिश करना शुरू किया। रॉबर्ट द ब्रूस कुछ पलों के लिए अपनी परेशानी भूल गया और मकड़ी को ध्यान से देखने लगा। क्या इस बार मकड़ी सफल होगी, वो मन ही मन में सोचने लगा। रॉबर्ट द ब्रूस को लग रहा था कि इस बार भी पहले जैसा ही होगा, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मकड़ी सफल हो गई। रॉबर्ट द ब्रूस ये देखता ही रह गया। वो रोने लगा, लेकिन उसके अंदर आत्मविश्वास की लहर फिर से दौड़ने लगी। मैं भी सातवीं बार कोशिश करूंगा, और ये सोचकर उसने कुछ प्लान बनाया और अपने कुछ आदमियों को इकट्ठा किया। उसने उनके साथ अपने प्लान को शेयर किया और उनसे कहा कि वो लोग दूसरे लोगों को मेरे प्लान के बारे में जाके बताएं। जल्दी ही उसके पास बहादुर लोगों की एक छोटी सी सेना फिर से तैयार हो गई। अपने प्लान के मुताबिक इंग्लैंड के राजा के साथ रॉबर्ट द ब्रूस ने लड़ा अपना सातवां युद्ध, और इस बार इंग्लैंड के राजा को पीछे हटना पड़ा। साथ ही साथ इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को एक स्वतंत्र देश भी घोषित कर दिया और रॉबर्ट द ब्रूस को उसका सही राजा बताया। अगर आप स्कॉटलैंड के इतिहास को पढ़ेंगे तो जानेंगे कि उसमें मकड़ी और उसकी वजह से रॉबर्ट द ब्रूस को मिली प्रेरणा का जिक्र आता है। रॉबर्ट द ब्रूस को रॉबर्ट फर्स्ट और स्कॉटलैंड के महान राजाओं में से एक माना जाता है। सन 1306 में इंग्लैंड के साथ हुए युद्ध में उसकी बुद्धिमानी और हौसले का प्रमाण मिलता है, और बाद में इंग्लैंड के साथ स्कॉटलैंड की संधि भी हुई जिसके मुताबिक इंग्लैंड ने फिर कभी स्कॉटलैंड पर आक्रमण नहीं किया। इसलिए दोस्तों, कभी भी हार मत मानो और जिस मकसद को अपने हाथ में लेके चले हो उसको छोड़ो मत। आप कहेंगे कि अरे यार, ये बातें कहने के लिए अच्छी हैं, असल में इसका उल्टा होता है। दोस्तों, मैंने आपको जो अभी कहानी सुनाई उसमें आपने देखा कि मकड़ी जाले बुनने का काम बहुत धीरे धीरे और सावधानी से करती है। इसका मतलब ये है कि आपके पास प्लान होना चाहिए,
सही रास्ता होना चाहिए और सही स्पीड से आपको अपना काम शुरू करना चाहिए। जब आप हारते हो तो सबसे पहले अपने दिल से पूछो कि क्या आपने कोई गलती नहीं की है। कुछ लोग एक्सक्यूज देने लगते हैं, मेरी फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, मेरे दोस्त ने धोखा दिया, वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों, एक्चुअली यही सब बातें तो हैं जो आपकी सफलता के रास्ते में कांटे बनती हैं और जिनको आपको दूर करना है। यही तो है संघर्ष। नहीं तो जब आप सफल होगे और अपनी सफलता की कहानी किसी को सुनाओगे तो उसमें संघर्षों का जिक्र कहां से आएगा। आप ये भी कहेंगे कि मोटिवेशनल वीडियो तो बहुत सी बनती है, लेकिन असल में आदमी जिस सिचुएशन से गुजरता है उसमें हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता कि हम हार ना माने। कभी कभी हमारी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हम हार मानकर दूसरा रास्ता चुन लेते हैं। इसके पीछे कारण बहुत से हो सकते हैं, जैसे कि हमें पैसों की कमी हो, हमारे ऊपर फैमिली की जिम्मेदारी हो, कोई बीमारी हो। कारण बहुत से होते हैं हमारी हार मानने के। दोस्तों, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ पूरी तरह से, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा दोस्तों कि आप मोटिवेशनल वीडियोस देखते रहो, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ते रहो, पूरी ना सही, डायरेक्ट ना सही, धीरे धीरे कहीं अंदर से ये आपको स्ट्रांग करती रहेंगी। ये उन दवाइयों जैसी है जो धीरे धीरे असर करती हैं। जो आदमी कोशिश ही नहीं करता उसको आप बोल सकते हो कि वो हार गया है, उसने हार मान ली है। लेकिन जो आदमी कोशिश करता है, बार बार कोशिश करता है और हार जाता है, उसको हम हारा हुआ आदमी नहीं कह सकते, क्योंकि उस आदमी का हर असफल प्रयास वास्तव में उसकी हार नहीं होती, वो तो उसकी छोटी सी सफलता होती है जो उसको उसके बड़े मकसद की तरफ ले जाती है। जब मैं बचपन में साइकिल चलाना सीख रहा था तो मुझे लगा कि मैं इसको नहीं सीख सकता, लेकिन मैं रोज सीखने जाता था, गिरता था, गिरने से डरता भी था, लेकिन एक दिन मुझे सफलता मिली जब मैंने पहली बार बस 5 सेकंड के लिए साइकिल चलाई। फिर मेरे अंदर आत्मविश्वास जागा कि मैं ये कर सकता हूँ और मैंने साइकिल चलाना सीख लिया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? चलो साइकिल की बात ना हो, क्या कोई और बात है आपके जीवन में जो आप बताना चाहते हो? प्लीज कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करो। मैं आपके अनुभव पे एक वीडियो जरूर बनाऊंगा जिससे दूसरे व्यूअर्स को कुछ सीखने को मिले, उनकी हिम्मत बढ़े। आपकी कहानी को मैं वीडियो के माध्यम से सबके सामने लाऊंगा, क्योंकि हम आम आदमी हैं और आम आदमी की कहानी आम आदमी के ज्यादा करीब पहुंचेगी। आप अपनी जिंदगी में खुद देखो, किसी काम को शुरू करने से पहले आप कितना उस काम को जानते थे और आज कितना जानते हो, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। जो काम आप कल नहीं कर सकते थे, आज उसी काम में आप एक्सपर्ट हो। तो दोस्तों, आपकी ही जिंदगी में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको मोटिवेट करेंगे, और सबसे बड़ी बात ये कि आपकी जिंदगी में जिस काम में आप सफल हुए वही आपको अपने ऊपर विश्वास बढ़ाएगा कि आप कुछ कर सकते हो, कुछ बड़ा कर सकते हो और आप जरूर जीतोगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर मैंने आपको बोर किया हो तो मुझे माफ कीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, और अगर आप मेरी दूसरी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।